ग्राहक बनकर दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम से लाखों की चोरी करके फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। यह गिरोह ग्राहक बनकर ज्वेलरी की दुकान में पहुंचते और जेवरात पार कर देता था। इसी तरह ये गैंग शादी समारोह में भी चोरियां करता रहा है। हरिद्वार में आशा ज्वेलरी शोरूम से चोरी करके फरार चल रहे गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। ये शातिर चोर गिरोह ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। इसके साथ ही ये इसी तरह शादी समारोह में भी शामिल होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके साथ इस गिरोह में महिलाएं भी थी जो दुकान में चोरी के समय दुकानदार को उलझा कर रखती थी और बाकी आरोपी घटना को अंजाम देते थे। SP स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि ये सभी आरोपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में हुई घटना के बाद पुलिस को इनकी काफ़ी दिनों से तलाश थी। इन्हें अब गिरफ्तार कर लूट की ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। वहीं गिरोह की दो महिलाओं की अभी तलाश जारी है। उस दिन जो शॉपकीपर था वो अपनी शॉप को छोड़ के गया था, अपने बेटे को वहाँ पर बैठाया था, तो बताया गया कि 5 लोग आए थे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, और आके ज्वेलरी दिखाने के लिए बोले। एक ग्राहक की तरह आए थे। ज्वेलरी जब दिखाई गई तो उसमें से कुछ ज्वेलरी वो गायब कर दिए, और जब वापस आए तो शॉपकीपर को पता चला कि ये ज्वेलरी गायब हो गई है। इस सूचना को लेके जब थाने पे आए तो थाने से फिर एक टीम का गठन किया गया और जितने भी CCTV फुटेज वगैरह उसको चेक किया गया, तो ये संज्ञान में आया कि ये लोग गाड़ी से आए थे, और उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए जब देखा गया तो जो अभियुक्त हैं वो ट्रेस हो गए। फिर अभियुक्त फिर से, क्योंकि इनका जो ये हैबिचुअल थे इस तरह की घटना करने के लिए, वेस्टर्न यूपी में लगभग 18 घटनाएं ये कबूल किए हैं, बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन सी घटना की है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।